हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 5 चैप्टर नंबर 6। हियर इज एन मोर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी द टैमरिन सीड्स। टैमरिन सीड्स क्या होते हैं? इमली के बीज। अब देखिए, ये एमिनी है, एमिनी के पास क्या है, कुछ इमली के क्या है सीड्स रखे हुए हैं। इसके पास 12 सीड्स थे। देखिए, ये 12 सीड्स यहाँ पर दिए हुए हैं और उसने 12 सीड्स को कैसे अरेंज करा, रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है। तो और उसने अलग अलग टाइप्स को अरेंज किया और सीड्स कितने थे उसके पास, 12 सीड्स थे, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर भी क्या करना है, तो एमिनी ने 12 सीड्स का यूज करके कितने रेक्टेंगल बनाए हमें वो पता करना है। फिर अगर 15 टैमरिन सीड्स हैं तो कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप प्रैक्टिस करके देखें घर पे। एक हमारे पास यहाँ एक्टिविटी दी हुई है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इन अ ग्रिड हेयर रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर और ये कितना है, 20 बॉक्सेस से बना हुआ है। इसकी विड्थ कितनी है, 20 बॉक्स, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से काउंट कर लेंगे कितने बॉक्स हो जाएगा, ये 10 बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 10 बॉक्स। अब जैसे कि टैमरिन सीड्स को अलग अलग वे में अरेंज करना है, उसी तरीके से कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। अब ये 20 बॉक्सेस को इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया है, तो हम अपने हिसाब से 20 बॉक्सेस को कैसे अरेंज करें कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो जाए। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। देखिए, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, 1 2 3 1 2 3, कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इतने पूरे बॉक्स को हम कलर कर देंगे तो ये हमारे कितने बॉक्स हो जाएंगे, यहाँ पर 20 बॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरे को कलर कर देंगे, और देखिए ये रेक्टेंगल भी है, तो हमको क्या करना है, रेक्टेंगल भी बनाना है और साथ में इसको अलग अलग वे में अरेंज भी करना है, ठीक है। ये हमारा देखिए एक तरीका हुआ है। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं इसको, हम देखिए, इन्होंने 2 जो है बॉक्सेस विड्थ में लिए हुए हैं और 10 लेंथ में लिए हुए हैं। इसको हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, लेंथ ले लेंगे हम यहाँ पर 2 और विड्थ ले लेंगे हम कितना, 10। तो इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये हमने लिया, यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। और ये जो इनक्लोज्ड एरिया इसके बीच में दिख रहा है, इसको कलर कर देंगे, तो ये कितने बॉक्सेस हो जाएंगे टोटल हमारे पास, ये 20 बॉक्सेस हो जाएंगे। देखिए, एक वे ये होगा इसका रेक्टेंगल बनाने का। और कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको हम, अभी हमने ये विड्थ 4 और लेंथ कितनी ली है, 5 ली है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ को ले लेंगे क्या यहाँ पर, 4, राइट, ये लिए हमने लेंथ को 4 ले लिया और विड्थ को ले लेंगे हम 5 इस तरीके से। अब इनको काउंट कर लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो कितने होगा ये, 20। इसको भी पूरा हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे इस तरीके से। तो कितने बॉक्सेस हो जाएंगे ये हमारे पास, 20 बॉक्सेस। और देखिए, ये भी क्या है, एक हमारा रेक्टेंगल है, ओके। तो हमने इसको अलग अलग वे में ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट पेज पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल यू कलर्ड। अब हमने अलग अलग टाइप्स को कलर किया है, तो हम इसको बता सकते हैं कि एक में लेंथ हमारी कितनी थी, 4 बॉक्स थी, ठीक है, और विड्थ हमारी कितनी थी एक में, 5 बॉक्स थी। तो आप जो मर्जी चाहे उसका आंसर वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस, कलर देम ऑल इन द ग्रिड एंड राइट द लेंथ विड्थ एंड ईच रेक्टेंगल यू हैव कलर्ड। अब हमने इनको अलग अलग तरीके से क्या किया है, कलर्ड किया है, और हमें क्या करना है, इसकी लेंथ और विड्थ लिखनी है। तो देखिए, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये 5 बॉक्स, ओके, और ये विड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी, ये 4 बॉक्स हो जाएगी, इसको हमने लिखा। फिर इसमें हमने देखिए लेंथ कितनी है हमारी, इसमें 2 बॉक्स, और विड्थ कितनी हो जाएगी हमारी, 10 बॉक्स। तो इससे हमने अरेंज किया इसको, यहाँ पर हमने क्या किया, लेंथ हो जाएगी 4 बॉक्स और विड्थ हमारी हो जाएगी यहाँ पर 5 बॉक्स, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू बैंगल्स।
देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रोड, एक रोड है इसमें 18 बैंगल्स हैं. मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप देम, शी कैन पुट देम इन ग्रुप ऑफ 2, 3, 6, 9 and 18 विदाउट एनी बैंगल बीइंग लेफ्ट. अब क्या करना है, इसमें ग्रुप बनाना है, ठीक है. और कैसे कैसे ग्रुप बनाए, 2 का 3, 6, 9 और 18 के ग्रुप बनाए. सो हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच. अब यहाँ पर हमारे पास बैंगल्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बीट्स हैं. इन बीट्स को हम क्या मान लेंगे, बैंगल्स मानेंगे. और यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो देखिए, नंबर ऑफ बैंगल्स हमारे पास कितने थे, 18 थे. और हमने किस किस ग्रुप में उसको अरेंज किया, 1, 2, 3, 6, 9 and 18 के फॉर्म में, ठीक है. तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 1 बैंगल्स पूछा है, यानी कि हमारे पास 1 बीट है, तो हम 1 बीट ले लेते हैं. और कितने ग्रुप बनेंगे इसके, तो देखिए अलग अलग कर देंगे इसको, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप. इस तरीके से हमारे हाथ में यहाँ पर 18 बीट्स हैं, तो कितने ग्रुप हो जाएंगे इसके, हमारे पास 18 ग्रुप्स हो जाएंगे. यहाँ पर लिख देंगे हम 18. अब सपोज मान लीजिए हमें 2-2 का ग्रुप बनाना है, तो देखिए 2-2 के ग्रुप कैसे बनाएंगे, ये 1 and 1 2, राइट. इसको यहाँ पर रख लेते हैं हम ये, देन 1 and 1 2, तो ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है. ये हमारा हो गया थर्ड ग्रुप, ओके. देन ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ ग्रुप, ओके. देन फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, फिर ये हमारे पास हो जाएगा सेवन्थ ग्रुप, ओके. ये हो जाएगा एट्थ ग्रुप, राइट. और ये हो जाएगा हमारे पास नाइन्थ ग्रुप. इसका मतलब अगर हम टू बीट्स का अगर ग्रुप बनाए, तो हम इसको कितने उसमें अरेंज कर सकते हैं, 9 में, ठीक है, 9 टाइम्स में, 9 डिफरेंट ग्रुप्स में. तो एक हमारा हो जाएगा क्या, ये 2, और ये हो जाएगा 9. अब अगर मान लीजिए हमें 3-3 का ग्रुप बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 3-3 के ग्रुप, देखिए ये 1, 2 and 3, इसको हमने ये लिखा यहाँ पर रख दिया, ये 1, 2 and 3, ओके. फिर हमने एक और 3 लिया यहाँ पर, 3-3 के ग्रुप्स बनाने हैं, ये लिया 1, 2, 3. देन हमने फिर बनाया 1, 2, 3, ओके. इसके बाद फिर से ये हमारा 1, 2 and 3 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 1, 2 and 3. देन 1, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3, सॉरी, ठीक है. अब देखिए, तो कितने ग्रुप बने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इसका मतलब 3-3 के कितने ग्रुप्स बने यहाँ पर, 6. तो एक तो 3 नंबर लेंगे यहाँ पर हम, और एक 6 नंबर लेंगे. तो देखिए यहाँ पर 3 भी है और 6 भी है, राइट. तो इस तरीके से आप इनको अरेंज करेंगे, ठीक है, 5 बैंगल्स 9 बैंगल्स, और आप यहाँ पर लिखेंगे कि कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हैं.